दोस्तों इस वीडियो के अंत में पूछे गए एक सवाल का जवाब दीजिए और जीते 200 रुपए तक का पेटीएम कैश भी। दोस्तों अगर आप भी कुलदीप यादव को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय टीम ने पहले तो बेहतरीन बल्लेबाजी की, उसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरकार ये मुकाबला जीत ही लिया। इस मैच की बात करें तो विंडीज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों की शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 387 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। अब दोस्तों आपको बता दें कि 388 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज टीम की शुरुआत काफी हद तक अच्छी रही, लेकिन 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने इवन लुइस को आउट किया। इवन लुइस 35 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। फिर दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा दोनों ने मिलकर शिमरन हेटमायर को रन आउट करा दिया। इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा ने रोशन चेज को क्लीन बोल्ड करके भारत को तीसरी सफलता दिलाई। विंडीज का स्कोर 86 रन पर 3 विकेट हो चुका था कि तभी निकोलस पूरन और शाई होप के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हुई और दोनों ने मिलकर विंडीज की पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी हुई ही थी कि तभी 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने सेट बल्लेबाज निकोलस पूरन को आउट करा दिया। पूरन 47 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हुए जिसमें उन्होंने 6 चौके और 6 लंबे छक्के मारे। इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर शमी ने नए बल्लेबाज कारन पोलार्ड को भी आउट कर दिया। फिर दोस्तों 33वें ओवर में कुलदीप यादव ने हैट्रिक लेकर पूरा का पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय टीम की तरफ से 33वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और उसकी चौथी गेंद पर पहले तो उन्होंने विंडीज के सेट बल्लेबाज शाई होप को कोहली के हाथों कैच आउट कराया। शाई होप 85 गेंदों में 78 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अगली गेंद पर कुलदीप ने होल्डर को भी स्टम्प्ड आउट कराया और इसी तरह से 2 गेंदों में 2 विकेट ले लिए। फिर दोस्तों इसके बाद भी कुलदीप रुके नहीं और अगली गेंद पर अल्जारी जोसेफ को भी केदार जाधव के हाथों कैच आउट कराकर हैट्रिक ले डाली और पूरा का पूरा मैच भी पलट कर रख दिया। इसी तरह से वनडे में 2 हैट्रिक लेने वाले कुलदीप यादव भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और ऐसा कर उन्होंने एक नया इतिहास भी रच दिया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत काफ़ी शानदार रही और भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाते हुए अपने अपने शतक पूरे किए। रोहित शर्मा ने 107 गेंदों में अपना 28वां शतक पूरा किया तो वहीं केएल राहुल ने 102 गेंदों में अपना तीसरा शतक लगाया। राहुल शतक लगाने के तुरंत बाद आउट हो गए और 102 रन बनाकर पवेलियन लौटे। टीम इस झटके से अभी तक नहीं उबर पाई थी कि तभी नए बल्लेबाज कप्तान विराट कोहली भी पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए। रोहित शर्मा एक बार फिर से दोहरे शतक की ओर बढ़ते हुए दिख रहे थे लेकिन 138 गेंदों पर 159 रन बनाकर उनकी पारी का भी अंत हुआ। रोहित ने अपनी इस तूफानी पारी में 17 चौके और 5 लंबे छक्के लगाए। अब दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने मिलकर पारी को संभाला और इन दोनों ने ही चौके छक्के बरसाते हुए पूरा का पूरा तहलका मचा दिया। जी हाँ, आपको बता दें खासकर ऋषभ पंत ने तो क्रीज पर आते ही 45वें ओवर में 2 छक्के मारे और इसके बाद भी अगले ओवर में पंत ने 3 चौके मारे और वहीं 2 और गगनचुंबी छक्के मारे। इसके अलावा दूसरी छोर पर खड़े श्रेयस अय्यर भी रन बरसाने शुरू कर दिए और 47वें ओवर में 1 चौका और 4 गगनचुंबी छक्के मारकर उन्होंने भी सभी को ये बताया कि उनमें कितना दम है। हालांकि इसके बाद 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत आउट हो गए। पंत ने 243 की स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों में 39 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें 3 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी तूफानी पारी खेली और 48वें ओवर की चौथी गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अपना अर्धशतक लगाने तक अय्यर ने 3 चौके और 4 छक्के मारे। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसका आपको सही जवाब देना है जिससे कि आप 200 रुपए तक का पेटीएम कैश भी जीत सकते हैं। जी हाँ, तो सवाल ये है कि कुलदीप यादव ने अपनी पिछली वनडे हैट्रिक किस टीम के खिलाफ ली थी। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से देना है और मैं किसी एक विनर को चुनूंगा और इसे ये प्राइज मनी मिलने वाली है।
तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का जो बेल आइकन है उसे भी ध्यान से ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, बाय बाय।